हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो आजकल की लेटेस्ट न्यूज़ तो लॉकडाउन 2.0 है, जो कि आप सबको पता होगा कि लॉकडाउन 19 डेज़ और एक्सटेंड करके 3 मई तक कर दिया गया है। तो लगता है कि जो चीज़ ऑलरेडी हमारे लिए इतनी डिफ़िकल्ट हो रही थी, वो हमको कुछ दिन और वैसे ही हमको रहना पड़ेगा, घर पर रहना पड़ेगा, और नई नई चीज़ें हमको खोजनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी दिन भर में करने के लिए। तो मैं कल ऐसे ही अपनी मॉम के साथ बैठा था और मैं डोरेमोन देख रहा था। डोरेमोन मुझे काफ़ी पसंद है, मैं बचपन से कितने ही सालों से डोरेमोन देख रहा हूँ। तो अगर आपने डोरेमोन देखा होगा तो आपको उसमें एक चीज़ आपने ज़रूर नोटिस की होगी और आपने ज़रूर उसके बारे में सोचा होगा, जो कि है डोरा केक। यस, कि एक्चुअली क्या डोरा केक बन सकता है? क्या हम टेस्ट कर सकते हैं डोरा केक को? क्या ये रियल रेसिपी है? तो मैंने मॉम के साथ डिस्कस किया और फाइनली एक रेसिपी हम लोगों ने रेडी की है। और यस, आज मैं आपके लिए डोरा केक की रेसिपी लेके आ रहा हूँ, तो तैयार हो जाइए, आज हम बनाएंगे डोरा केक। और चलिए चलते हैं किचन में। तो मैं आ गया हूँ किचन में और मॉम से हेलो। हेलो। तो जैसा कि आपको पता होगा कि गर्मी तो बहुत बढ़ गई है आजकल, तो हमारी जो आज की ये रेसिपी है इसको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तो चलिए हम बात करते हैं अब डोरा केक की। मॉम, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी हमको डोरा केक बनाने के लिए? इसको बनाना बहुत आसान है, इसमें किसी भी चीज़ से तुम नाप सकते हो। ये घर वाली कटोरी हमारी है, एक कटोरी हमने मैदा लिया है। अच्छा। आधी कटोरी पीसी चीनी ली है और ये आधा कटोरी से भी कम मिल्क पाउडर लिया है। अच्छा, मिल्क पाउडर यूज़ करते हैं। दूध एक कटोरी से थोड़ा कम लगता है, इसको ले लिया है, लेकिन मिलाते समय अंदाज सही करते हैं। अच्छा, मतलब जैसे 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 लगेगा वैसे मिला देंगे, वैसे डाल देंगे। और ये एक बड़े चम्मच शहद है और ये आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा है। ठीक है, इतनी सारी चीजें। और ये साइड वाला, और ये हमारा चॉकलेट पीनट बटर है जो घर में ही बनाया हमने। जैसा कि वैसे तो ये मार्केट में अवेलेबल होता है, लेकिन हम क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हम जो भी बना रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम घर की चीज़ों से ही हम सारी चीज़ें सारी डिशेस बना रहे हैं, तो फिर हमने इसको घर पे ही प्रिपेयर किया है। और अगर आपको इसकी रेसिपी भी अलग से चाहिए तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं ज़रूर इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगा। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करने के सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले मैदा लेंगे बाउल में, चलिए मैं मिक्स करता हूँ इसको। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसमें मिल्क और हनी भी ऐड कर दिया है और फाइनली हमारा बैटर यहाँ पे रेडी हो गया है। इसका बैटर ऐसे होना चाहिए कि गिराने पे फ्लोइंग होनी चाहिए। अच्छा, और थिक भी नहीं हो, बहुत पतला भी नहीं हो, ये तो काफी अच्छे से फ्लो कर रहा है, ये चीज ऐसा होना चाहिए। तो चलिए अब फाइनली इसको कुक करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले गैस ऑन कर देंगे। इसमें ये खास ध्यान रखना है कि ये फ्लेम हमेशा लो होनी चाहिए, तेज नहीं बनेगी। अच्छा, और इस पे पैन रख दिया, इसको हल्का सा एक दो बूंद तेल लगा के, घी लगा के ऑयलिंग कर देंगे इसकी। अच्छा, ग्रीस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ग्रीसिंग तो हो गई है, अब फाइनली हम बैटर डालने जा रहे हैं इसमें। उसे एक किसी भी चम्मच से, बड़े चम्मच से ले लेंगे। हाँ। पेस्ट ले लेंगे, फिर इसके बीच में डालेंगे सेंटर में। अच्छा, संभाल के ये शेप अपने आप ले लेगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि इसका बैटर ऐसा फ्लो कर रहा है, मेरे हिसाब से इसीलिए ले रहा होगा। और इसको जो है ढक्कन से ढक देंगे। अच्छा। तब तक जब तक इसमें बबल्स दिखने नहीं लगे। अच्छा, बबल्स आएंगे इसमें। और इसकी जो फ्लेम है एकदम कम होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब कि ये फाइनली रख दिए हैं हमने इसको कुक होने के लिए, और इसका इंडिकेशन यही है कि इसमें बबल्स आने लग जाएंगे इसमें। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें बबल्स थोड़े बहुत दिखने लग गए हैं इसमें। बबल्स अब एक बार लिट हटाइएगा तो मैं एक बार दिखा दूं। ये देखिए, ये बबल्स यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये आप देख सकते हैं बबल्स इसमें दिखने लग गए हैं। तो ये ऑलमोस्ट कुक हो चुका है अभी तक, एक साइड में कुक हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये उठ जा रहा है। ये देखिए, सबसे इसका मेन इसमें जो पहचान करने का तरीका यही है कि ये उठ जा, ऐसे बाहर निकल के आ जाएगा।
तो अभी ये काफी सॉफ्ट है, इसको बड़े सावधानी से गैस बंद कर देते हैं फिर इसको करेंगे, क्योंकि इसकी फ्लेम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जल सकता है। जल सकता है। उए, उए। ये देखिए इधर साइड में आके गिर गया है, लेकिन ये है कि कुक तो अच्छे से हो चुका है, काफी अच्छे से। आप देखिए इसका कितना अच्छा सा, कितना अच्छा कलर आया है इसमें। एक सेकेंड के बाद इसको सर, अभी तो इसको हम दूसरे साइड से कुक कर रहे हैं, और पहले वाले में ऑलमोस्ट 1.5 मिनट समथिंग लगे थे। आपको दूसरे साइड में जल्दी हो जाता है। हाँ, दूसरे साइड में जल्दी ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा कलर बहुत ही सुंदर आया है इसका। एक्चुअली जो सारे जो डोरा केक होते हैं थोड़े कलर डिजाइन चेंज हो जाती है। हाँ। क्यों हो जाती है कि कैसे इसकी पैन कितना गर्म होता है इस पे बहुत। अच्छा। अगर जरा सा भी ज्यादा गर्म होगा तो डार्क हो जाएंगे। अच्छा, अच्छा। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हमको लग रहा है कि पीछे का इस साइड भी इसके पक गई है। ये देखिए ये दोनों साइड से हो चुका है। इसको निकाल लेते हैं, इसको प्लेट में निकाल लिया है, एक दूसरा ट्राई कर लेते हैं। अब इसमें एक दूसरा भी बनाएंगे, डोरा केक तो दो के साथ ही होता है। तो ऐसे देख सकते हैं हमने इसकी सेकंड लेयर भी तैयार कर ली है, और इसका कितना सुंदर कलर आया। अब ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये ऑलरेडी ये डोरा केक लग रहा है। आप देखिए, आपको अगर डोरा केक याद होगा तो ये एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा है। डोरेमोन आया ना जाए यहाँ पे। तो फाइनली ये देखिए हमारे डोरा केक रेडी हो चुके हैं, और कितने सुंदर लग रहे हैं, और ये एग्जैक्टली डोरा केक लग रहे हैं कि नहीं आप खुद देख सकते हैं। अब इसमें बस एक फाइनल चीज बच गई है, जो कि है इसकी स्टफिंग, और ये है स्टफिंग, ये हमारी चॉकलेट चॉकलेट पीनट बटर की स्टफिंग। हमारे पास देखिए काफी सारी डिमांड्स आ रही है अलग अलग रेसिपीज की, जैसे कि कौन कौन सी क्या क्या चीजें आई थी। सूजी की टिक्की है, सूजी की टिक्की थी, स्विस बॉल थी, स्विस बॉल है, और डलगोना कॉफी की भी आई थी। कॉफी है तो क्या बनाते हैं नेक्स्ट। ये मुझे तो लग रहा है ऐसा कि जिस हिसाब से गर्मी बढ़ती जा रही है डेली, एक अच्छी सी कोल्ड कॉफी, जैसे एक डलगोना कॉफी अगर अच्छी चिल्ड बनाएंगे तो वो बहुत ही अच्छी लगेगी इस टाइम पर। तो आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में हम डलगोना कॉफी ट्राई करेंगे। डलगोना ही बनाते हैं, उसमें वो काफी अच्छा लगेगा। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में डलगोना कॉफी, हर जगह हर सोशल मीडिया पे यही दिखाई पड़ता है आजकल। तो अब नेक्स्ट तो वही बनेगा। आज गर्मी भी बहुत है, बहुत ही है, काफी ज्यादा है। ये देखिए इसमें स्टफिंग आप पास से दिखाता हूं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रंची। इसमें सारी चीजें अच्छी है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा कि, बहुत हेल्दी भी है। ये देखिए फाइनली देखिए हम इसकी प्लेटिंग भी कर दी है इसके, ये कितने सुंदर लग रहे हैं आप ये खुद ही देख सकते हैं। और टाइम आ चुका है अब इसको फाइनली टेस्ट करने का। फाइनली ये डोरा केक बन के तैयार हो गए हैं, प्लेटिंग इनकी हो गई है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो एक्स्ट्रा यहाँ पे पीनट बटर भी निकाल लेंगे, क्योंकि इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा है, तो आप एक्स्ट्रा उस पर लेके भी खा सकते हैं अगर आपको पसंद आया तो। फाइनली देखते हैं कैसा लग रहा है, टेस्ट करते हैं इसको। बहुत ही प्यारा टेस्ट आया है इसका, आप कितना सही लग रहा है। और मैं टेस्ट आया कि ये दोनों तो मैं अभी खा जाऊंगा, बहुत प्यारा टेस्ट आ रहा है इसमें। डेफिनेटली डोरेमोन को भी ये पसंद आने वाला है। डोरेमोन मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ ना आ जाए डोरेमोन खाने के लिए। और आई होप आपने भी ये रेसिपी एंजॉय की होगी। आप जरूर बनाइए डोरा केक अपने घर में, और लोगों को भी खिलाइए। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अब तक आपने नहीं किया है। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर हैंगिंग आउट।